सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत की टीम हम लोग सब दिल्ली में आए हैं। हम लोगों ने इसलिए सब लोगों को आमंत्रित किया था पूरे देश भर में से कि सेंट्रल विस्टा का जो काम चल रहा है वो सेंट्रल विस्टा का काम जो है वो तुरंत रुकना चाहिए, क्योंकि आज देश के जो हालत है वहाँ पर कोरोना का कहर बरसा है और यहाँ पर लोगों के लिए अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 23,000 करोड़ का जो फिजूल का खर्चा हो रहा है वो न होते हुए हमें सेंट्रल विस्टा जैसे एम्स के जैसे हॉस्पिटल हमें बांधने चाहिए। और ये सहमति हमारे साथ आज सभी देशों से जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने यहाँ पर इससे सहमति जताई है कि ऐसा एक आंदोलन होना चाहिए कि भाई सेंट्रल विस्टा नहीं, देश में पूरे गुजरात से बंगाल तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ हॉस्पिटल्स बनाओ। क्योंकि आज जो सेंट्रल विस्टा का काम हम लोग कल दोनों दिन से देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली जो दिल्ली देश की राजधानी है, सारे देशवासियों के मन में आदरणीय स्थान दिल्ली के लिए है। 26 जनवरी की परेड हम लोगों ने देखी है, बचपन से देखी है, देश की आर्मी, देश की संस्कृति, देश हर देशवासियों के मन में दिल्ली का एक ऊंचा स्थान है। राजपथ भवन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, नेशनल म्यूजियम, निर्माण भवन, कृषि भवन, रेल भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और जो हेरिटेज की इतनी सारी बिल्डिंग्स है उसे डिमोलिश किया जा रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सेंट्रल विस्टा बनाने की मुहिम नहीं है, तो एक ये साजिश है। स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों लोगों ने बलिदान दिया था, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल जी हो, मौलाना आज़ाद हो, पंडित नेहरू हो, राम मनोहर लोहिया जी हो, भगत सिंह हो, ऐसे कई अनगिनत नामों से इस देश उनके बलिदान से इस देश को स्वतंत्रता मिली है। एक इसका अजरामर एक इतिहास है और ये इतिहास का धरोहर है, ये साक्षीदार है, ये साक्षीदार और इस साक्षी की वास्तुओं को भी मिटा देना चाहते हैं, बुलडोज करना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो इस देश को संविधान दिया है वो संविधान अगर कोई ख़त्म करने की साजिश अगर करता है तो ये हम लोग सहेंगे नहीं। हमारी संसद की जो वास्तु है, संसद भवन है, वो सारे देशवासियों के जो लड़वैया नेते हैं उनके पदस्पर्श से पावन हुई वास्तु है। यहीं पे हमारे देश भर के प्रतिनिधियों ने यहाँ बैठना चाहिए, यहीं पे देश के सारी यंत्रणा चलनी चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स बने और दूसरा कुछ न हो। और अगर आपको कुछ बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए निवास क्यों? आज देश के 14 प्राइम मिनिस्टर जिस निवास में रहे उस निवास में कोई कमी नहीं, लेकिन हिटलर जैसा बंकर सोना, वहाँ पर बड़े बड़े राजमहल बनाना और पूरी जनता बीमारी से त्रस्त है, लोगों के घर में किसी के माँ बाप को कोरोना हो रही है, किसी के बच्चों को हो रही है, लोगों की मौत हो रही है, लोगों को रोजगारी नहीं है, बेरोजगार है, और ऐसे हालत में देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। नोटबंदी है, चाहे GST है, आपने देखा है 7 सालों में पूरा देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। और इस हालत में आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं। और हम लोगों ने ये तय किया है कि ऐसा पैसा बर्बाद करने का पंतप्रधान जी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कुछ बनता है तो हॉस्पिटल्स बनेंगे और कुछ नहीं। और इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ महाराष्ट्र सदन में एक मीटिंग रखी थी जिसमें देश भर के राज्यों के प्रतिनिधि, कई संगठन, कई राजकीय प्रतिनिधि आए थे। और हम लोगों ने ये तय किया है, हमारे खासदार वंदना ताई चौहान, फौजिया खान चौहान भी यहाँ पर शामिल थे, बहुत सारे अबू आजमी हमारे आमदार वो भी शामिल थे, बहुत सारे नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था और कई नेता इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। आम जनता, संगठन और जो जो लोग इससे आंदोलन से जुड़ना चाहे उनको हम अपील करते हैं। 9 अगस्त को बम्बई में हम लोग एक कार्यक्रम लेने वाले हैं, उसके पहले हम लोगों को और एक कार्यक्रम यहाँ पर जाहिर करना है कि संसद का आने वाला अधिवेशन में दिल्ली की जनता रस्तों पे आए और ये तय करे कि ये जो
सेंट्रल विस्टा है ये नहीं चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। और पूरे देश भर में हर एक राज्य में इसके खिलाफ आंदोलन होगा और लोग कहेंगे हमें सिर्फ हॉस्पिटल बनाओ, हमारी आरोग्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और इसी मांग के लिए हम सब लोग आज इकट्ठा हुए। धन्यवाद। मेरे साथ हमारे सब साथी हैं। एक मराठी भाई छोटा है तो जरा मुझे सामना